सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। प्रथम अध्याय में हमने सरकार का परिचय राज्य के रूप में करवाया था। हमने कहा था कि निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सरकार होती है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनमें सरकार जीवन के आर्थिक पहलू को प्रभावित करती है। इस अध्याय में हम केवल उन कार्यों की व्याख्या करेंगे जो सरकारी बजट के माध्यम से किए जाते हैं। यह अध्याय इस प्रकार है कि खंड 5.1 में हम सरकारी बजट के अवयवों को प्रस्तुत करेंगे ताकि सरकारी आगाम के स्रोतों तथा सरकारी व्यय की विधियों को समझाया जा सके। खंड 5.2 में हम संतुलित आदि के तथा घाटे के बजट की व्याख्या करेंगे ताकि व्यय तथा कुल आगाम में अंतर को स्पष्ट किया जा सके। हम यहाँ विशेष रूप से बजट के घाटे के प्रकार, उनके निहित अर्थ तथा इन्हें नियंत्रित रखने के उपायों की व्याख्या करेंगे। 5.1 राजकोषीय नीति तथा गुणक की सरल व्याख्या करता है। सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका का इसके घाटे के लिए भी निहित अर्थ है जो आगे सरकार ऋण को ब्याज प्रभावित करते हैं। यह अध्याय सार्वजनिक ऋण के विश्लेषण के साथ समाप्त होता है। सरकारी बजट अर्थ तथा इसके अवयव संविधान के धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार की संवैधानिक कर्तव्य है। यह वार्षिक वित्तीय ब्यौरा सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। हालांकि बजट घोषणा पत्र का संबंध एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले काफी सालों तक रहता है। अतः 2 साल, 2 तरह के खाते वित्तीय वर्षों से संबंधित है। उन्हें केवल राजस्व खाते में शामिल किया गया है जिसे राजस्व बजट भी कहते हैं, तथा जिनका संबंध सरकार की संपत्ति तथा देनदारी से होता है पूंजीगत बजट भी कहा जाता है। इन खातों को समझने के लिए पहले सरकार बजट के उद्देश्यों को समझना महत्वपूर्ण है। सरकारी बजट के उद्देश्य सरकार जन कल्याण बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करती है। सरकारी बजट का आवंटन कार्य। सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, अर्थात उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क तथा सरकारी प्रशासन जिन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। यह समझने के लिए कि सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार को क्यों करनी पड़ती है, हमें निजी वस्तुओं जैसे कपड़े, कार, खाद्य सामग्री तथा सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर समझना होगा। इनमें 2 मुख्य अंतर है। पहला तो यह कि सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध हैं तथा इनमें लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति चॉकलेट खाता है या कमीज पहनता है तो ये वस्तुएं अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। यह कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के उपभोग तथा अन्य व्यक्तियों के उपयोग में प्रतिद्वंदिता संबंध है। लेकिन यदि हम सार्वजनिक पार्क या वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय की बात करें तो इनके लाभ सभी के लिए उपलब्ध होंगे। एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उपभोग दूसरे के लिए उसके उपयोग के की उपलब्धता को कम नहीं करेगा। अतः एक साथ कई लोग इनका लाभ उठा सकते हैं, अर्थात यहाँ कई लोगों का उपभोग प्रतिद्वंद्वात्मक नहीं होगा। दूसरे निजी वस्तुओं के संदर्भ में जो व्यक्ति वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करता उसे इनका लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है। यदि आप टिकट न खरीदे तो आपको सिनेमा घर में फिल्म देखने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किसी को भी वस्तु का लाभ उठाने से वंचित करने का कोई साध्य कारगर तरीका नहीं है। इसीलिए सार्वजनिक वस्तुओं को गैर अपवर्जनीय कहा जाता है। यदि कुछ उपभोक्ता भुगतान नहीं करते हैं तो भी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क एकत्रित करना कठिन ही नहीं अपितु बहुत बार असंभव हो जाता है। इन भुगतान दिए बिना उपयोग करने वालों को मुक्त खोर कहा जाता है। उपभोक्ता ऐच्छिक रूप से अनेक चीजों के लिए भुगतान नहीं करेगा जिन्हें वे मुक्त में प्राप्त कर सकते हैं या जिनके
लिए मालिकाना अधिकार अन्य स्पष्ट नहीं है। उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच भुगतान प्रक्रिया के द्वारा स्थापित होने वाली कड़ी टूट जाती है। ऐसे में इस प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का आगे आना जरूरी है। सार्वजनिक प्रावधान तथा सार्वजनिक उत्पादन में अंतर होता है। वस्तुओं की सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अभिप्राय है कि इनका वित्त पोषण बजट के द्वारा होता है तथा बिना कोई प्रत्यक्ष भुगतान किए इनका उपयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जा सकता है। जब वस्तुओं का उत्पादन सीधे सरकार द्वारा किया जाता है तो इसे सार्वजनिक उत्पाद कहा जाता है। सरकार द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति को आवंटन कार्य कहा जाता है। सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य अध्याय 2 में हमें पता है कि देश कि कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या तो निजी क्षेत्र की ओर होता है, अर्थात फर्मों तथा घरेलू क्षेत्रों की ओर जिसे निजी आय कहा जाता है, या सरकार की ओर जिसे सार्वजनिक आय कहा जाता है। निजी आय में से जो भाग अंततः घरेलू क्षेत्र तक पहुंचता है उसे वैयक्तिक आय कहा जाता है, तथा उसमें से जिस भाग को खर्च किया जा सकता है वह भाग प्रयोज्य आय कहलाता है। सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा तथा कर एकत्रीकरण के द्वारा घरेलू क्षेत्रों के प्रयोज्य आय को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार सरकार के आय के वितरण को परिवर्तित कर सकती है तथा समाज को आय वितरण की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसे न्याय संगत माना जाए। यह वितरण कार्य है। सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य सरकार को आय तथा रोजगार में उतार चढ़ाव को भी कम करना होता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार का तथा कीमतों का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है तथा कुल मांग सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में लाखों करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णयों पर भी निर्भर करता है। ये निर्णय भी कई कारक जैसे आय तथा साख की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। किसी भी समय में ऐसी हो सकता है कि मांग का स्तर श्रम तथा अर्थव्यवस्था के अन्य साधनों के पूर्ण उपयोग के लिए अपर्याप्त हो। अब क्योंकि मजदूरी की दर तथा कीमतों एक स्तर के बाद और नीचे नहीं गिरती, रोजगार स्वतः अपने पूर्वकालिक स्तर पर नहीं पहुंचता, सरकार को समग्र मांग का स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है। दूसरी ओर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अधिक रोजगार की स्थिति में मांग उपलब्ध उत्पादन से अधिक हो जाए जिससे मुद्रा स्फीति की संभावनाएं हो सकती है। ऐसी स्थिति में मांग को कम करने के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों की आवश्यकता हो सकती है। सरकार का आक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। प्राप्तियों का वर्गीकरण राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इन्हें कर तथा गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। कर राजस्व जो कि राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो को काफी समय से प्रत्यक्ष करों वैयक्तिक आय कर तथा फार्मों के लिए निगम कर तथा अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर, सीमा शुल्क आयाती तथा निर्यातित वस्तुओं पर लगाए गए कर तथा सेवा कर, अन्य प्रत्यक्ष कर जैसे संपत्ति कर, उपहार कर तथा संपत्ति शुल्क। अब समाप्त से कभी भी बहुत राजस्व का संग्रह नहीं हुआ है तथा इसीलिए इन्हें कागजी कर भी कहा जाता है। पुनर्वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति आय पर प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर ऊंची होती जाती है। फार्मों पर अनुपातिक आधार पर कर लगाए जाते हैं। कर की दर लाभयुक्त आय का एक विशेष अनुपात होती है। जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं को उत्पादन कर से मुक्त रखा जाता है तथा अथवा उन पर कर की दर निम्न होती है। सुख और अर्ध विलासिता की वस्तुओं पर सामान्य दर से कर लगाया जाता है, जबकि पूर्ण विलासिता संबंधित वस्तुओं तंबाकू और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर की दर काफी ऊंची होती है। केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण शक ब्याज प्राप्तियां, सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश और लाभ तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, भारत का प्रणाली में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के प्रवेश के साथ एक विशाल परिवर्तन हुआ। यह कर जीएसटी वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों पर लगाया जाएगा तथा केंद्र 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू किया
गया। सरकारी बजट, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, कर राजस्व, गैर कर राजस्व व्यय, योजनागत राजस्व व्यय, योजनागत राजस्व व्यय, योजनागत पूंजीगत व्यय, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय रेखाचित्र एक सरकारी बजट के घटक का चित्र दिखाई गई है। से प्राप्त शुल्क और अन्य प्राप्तियां आदि शामिल है। इसके अंतर्गत विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले नगद सहायता अनुदान भी शामिल किए जाते हैं। राजस्व प्राप्ति के आकलन में वित्तीय विधेयक 2 में किए गए कर प्रस्ताव के प्रभाव पर विचार किया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां, सरकार को ऋणों के रूप में धनराशि मिलती है या संपत्ति को बेचने से भी जिन संस्थाओं से ऋण लिया गया है उन्हें इसकी अदायगी भी करनी होती है, अतः ऋणों से देयता पैदा होती है। इसी प्रकार सरकारी संपत्ति की बिक्री जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा अपने शेयरों अंशों की बिक्री जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विनिवेश भी कहते हैं से सरकार की वित्तीय संपत्तियों की मात्रा कम हो जाती है। सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियों कम हो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। जब सरकार नए ऋण लेती है तो इसका अर्थ यह है कि इस ऋण को लौटाया जाएगा और इन पर बयान दिया जाएगा। इस भांति जब सरकार किसी अस्तित्व को बेचती है तो इसका अर्थ है कि भविष्य से इससे आय समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार ये प्राप्तियां ऋण उत्पादन या गैर ऋण उत्पादक हो सकती है। पूंजीगत लेखा, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदान, यद्यपि कुछ अनुदानों से परिसंपत्तियों का सृजन भी हो सकता है, आदि पर किए गए व्यय से होता है। बजटीय दस्तावेज में कुल राजस्व व्यय का योजनागत और गैर योजनागत व्यय मदों में बांटा जाता है। योजनागत राजस्वगत व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं और राज्यों दो वित्तीय विधेयक जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है के अंतर्गत बजट में किए गए कर प्रस्तावों को लागू करने, निरस्त करने, छूट देने, बदलने अथवा विनियमन संबंधी विषयों का विस्तार से वर्णन होता है तथा संघ शासित प्रदेशों की योजना के लिए केंद्र की सहायता से है। गैर योजनागत व्यय राजस्व व्यय की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल होते हैं। गैर योजनागत व्यय के प्रमुख मदों में ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएं, उपादान, वेतन और पेंशन आते हैं। बाह्य ऋणों और विविध आरक्षित निधियों पर ब्याज अदायगी गैर योजनागत राजस्व व्यय का एक सबसे बड़ा घटक होता है। प्रतिरक्षा व्यय गैर योजनागत व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है और इस अर्थ में यह प्रतिबद्ध व्यय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इस मद में अधिक कटौती का क्षेत्र अत्यल्प है। उपदान एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है जिसका उद्देश्य कल्याण में वृद्धि करना है। सार्वजनिक वस्तुओं और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का अल्प मूल्यन के माध्यम से अव्यक्त उपदान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सरकार निर्यात ऋण पर ब्याज, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों जैसे मदों पर व्यक्त रूप से भी उपदान प्रदान करती है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उपदानों की मात्रा 2014 से 15 में 2.02% से बढ़कर 2015 से 16 में 1.7% हो गई। पूंजीगत व्यय ये सरकार के वे व्यय हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी उपकरण, शेयरों में निवेश और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को शामिल किया जाता है। पूंजीगत व्यय को भी बजट दस्तावेज में योजना और गैर योजनागत व्यय 3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसे तालिका 5.1 में क्रम संख्या 6 में दिखाया गया है। वित्त व्यय के अंतर्गत योजना और गैर योजना में अंतर स्थापित किया गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार योजनागत पूंजीगत व्यय का संबंध राजस्व व्यय के समान केंद्रीय योजना और अन्य
और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से होता है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल होते हैं। बजट प्राप्तियों और व्ययों का एक वितरण मात्र नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के कारण बजट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति का विवरण बन गया है। बजट के संबंध में तर्क दिया जाता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रति बिंब है तथा इसे देश के आर्थिक जीवन का स्वरूप निर्धारित होता है। वित्तीय उत्तरदायित्व तो और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003-04 के द्वारा बजट के साथ तीन नीतिगत विवरणों का होना अनिवार्य है। मध्यावधि वित्तीय नीति विवरण में विशिष्ट वित्तीय सूचकों के लिए 3 वर्षीय चल लक्ष्य रहता है, जो इस बात का परीक्षण करता है कि क्या धारणीय आधार पर राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से राजस्व व्यय किया जा सकता है और बाजार ऋण ग्रहणी सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग कितना उत्पादकता के रूप में किया जा रहा है। राजकोषीय नीति संबंधी विवरण वर्तमान नीतियों का परीक्षण और महत्वपूर्ण वित्तीय उपायों में किस प्रकार के विचलन के अचैतिक का निर्धारण करते हुए तीन इस प्रकार के वर्गीकरण को पेश करने के विरुद्ध एक स्थिति यह है कि नई योजना परियोजना की शुरुआत करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति वर्तमान क्षमता और सेवा स्तरों के रख रखाव का अनदेखा करती है। गैर योजना व्यय में निहित अपव्यय के कारण यह जानकारी अप्रत्यक्ष हो जाती है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जहाँ वेतन की समविष्ट एक महत्वपूर्ण तत्व है, जैसे सामाजिक क्षेत्रों के बीच संसाधन के बंटवारे पर विपरीत प्रभाव डालती है। वाक्स 4.5.1 सरकारी वित्त के लिए विधि निर्माण और इसके तात्पर्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है। वित्तीय क्षेत्र में सरकार के प्राथमिकताओं को तय करता है। समष्टि अर्थशास्त्री रूपरेखा संबंधित विवरण में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, केंद्र सरकार की वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन 5 के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है। तालिका 5.1 केंद्रीय सरकार से की प्राप्तियां और व्यय 2018 से 19 बजट अनुमान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां A+B 8.2 ये वाले में कर राजस्व राज्यों के निवल अंश 6.9, गैर कर राजस्व 1.3, राजस्व खर्चा जिसका 10.6, ब्याज अदायगी 3.1, प्रमुख उपदान 1, रक्षा व्यय 1, राजस्व घाटा 2-1 2.3, चौथा पूंजीगत प्राप्तियां A+B+C जिसका 3.9, ऋण असूली 0.1, अन्य प्राप्तियां मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का निवेश 0.4, सी ऋण ग्रहण एवं अन्य दायित्व 3.4, पांचवा पूंजीगत व्यय 1.6, छठवां गैर ऋण प्राप्तियां 1+4 A+4 B बराबर 8.8, सातवां कुल व्यय 2+5 बराबर 7, A+7 B 2.2, योजनागत व्यय गैर योजनागत व्यय, आठवां राजकोषीय घाटा 7-1-4 A-4 B 3.4, नौवां प्राथमिक घाटा 8-2 बराबर 1.03, प्रथम स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2018 से 19 संतुलित अधिशेष एवं घाटा। सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है। अगर इससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना पड़ेगा। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है तो इसे बजट अधिशेष कहा जाता है। हालांकि मुख्य ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब व्यय राजस्व से अधिक हो, यह तब होता है जब सरकार घाटा वाली बजट को चलाती है। 5 वर्ष 2005 से 6 के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया गया है। लिंगगत बजट सरकार की लिंग संबंधी वचनबद्धताओं को बजटीय वचनबद्धता में रूपांतरित करने का एक और सार्थक प्रयास है, जिसमें स्त्री सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल और स्त्रियों के लिए विभाजित संसाधनों के उपयोग का परीक्षण और सार्वजनिक व्यय के प्रभाव तथा महिलाओं के लिए सरकार की नीतियां शामिल हैं। वर्ष 2006 से 7 के बजट में पूर्व बजट विवरण को विस्तार प्रदान किया गया है। सरकारी बजट, सरकारी घाटे की माप,
जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इसी स्थिति में बजटीय घाटा कहते हैं। इस घाटे की पूर्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं जिनका किसी अर्थव्यवस्था पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के लिए ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तालिका 5.1 में क्रम संख्या 3 में यह दिखाया गया है कि वर्ष 2018 से 19 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% था। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। जब सरकार को राजस्व घाटा प्राप्त होता है तो इससे संकेत मिलता है कि सरकार निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचतों का उपयोग अपने उपभोग संबंधी व्यय के कुछ हिस्सों को पूरा करने के लिए कर रही है। इस स्थिति में सरकार को न केवल अपने निवेश के लिए अपितु अपने उपभोग संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ऋण ग्रहण करना पड़ेगा, जिससे ऋणों और ब्याज दायित्व का निर्माण होगा और सरकार को अंततः अपने व्यय में भी कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। चूंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा भाग व्यय के लिए प्रतिबद्ध होता है, इसीलिए इसमें कटौती नहीं की जाएगी। बहुधा सरकार उत्पादक पूंजीगत व्यय अथवा कल्याण संबंधी व्यय में कटौती करती है। इसके परिणाम स्वरूप विकास की गति धीमी होती है और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जो ऋण ग्रहण करने के अंतर्गत नहीं आती हैं, इसलिए इससे ऋण में वृद्धि नहीं होती है। इसके उदाहरण है ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त राशि। तालिका 5.1 में हम देखते हैं कि गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद के 8.8% के बराबर है। यह कुल पूंजीगत प्राप्तियों में से उधार और अन्य दायित्वों को घटाकर 1+4 A+4 B प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% प्रतीत होता है। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, राजकोषीय घाटे का वित्तीय पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाएगा। अतः इससे सभी स्रोतों से सरकार के ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं का पता चलता है। वित्तीय पक्ष से सकल राजकोषीय घाटा बराबर निवल घरेलू ऋण ग्रहण प्लस भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ग्रहण प्लस विदेशों से ऋण ग्रहण निवल घरेलू ऋण ग्रहण के अंतर्गत ऋण उपकरण उदाहरण विविध लघु बचत योजनाएं के माध्यम से सीधे जनता से प्राप्त ऋण और वैधानिक तरलता अनुपात SLR के माध्यम से 6 औपचारिक रूप से यह कुल प्राप्तियों राजस्व और पूंजीगत दोनों के ऊपर कुल व्यय राजस्व और पूंजीगत दोनों के अधिशेष को बताता है। वर्ष 1997 से 98 के बजट में भारत में बजटीय घाटा को प्रदर्शित करने की परंपरा को छोड़ दिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त ऋण आते हैं। सकल राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के अस्थायित्व तो और सार्वजनिक क्षेत्र की सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के लिए एक निर्णायक चर है। इसी प्रकार सकल राजकोषीय घाटा को मापा जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया, राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा का एक भाग है। राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का एक बड़ा अंश यह दर्शाता है कि उधार का एक बड़ा हिस्सा उपभोग व्यय के लिए उपयोग किया जाता है, न कि निवेश के लिए। प्राथमिक घाटा ध्यानतव्य है कि सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं से संचित ऋण पर दायित्व शामिल होते हैं। प्राथमिक घाटे के माप का लक्ष्य वर्तमान राजकोषीय असंतुलन पर प्रकाश डालना है। वर्तमान व्यय के राजस्व से अधिक होने के कारण होने वाले ऋण ग्रहण के आकलन के लिए हम प्राथमिक घाटे की परिकलन करते हैं। सरल भाषा में यह वह शेष है जो राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है। सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व। निवल ब्याज दायित्व में निवल घरेलू परिदाय पर सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज प्राप्तियों से ब्याज अदायगी करने पर शेष राशि आती है। बाक्स 5.1 राजकोषीय नीति के
किंज की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इंटरेस्ट एंड मनी में प्रतिपादित विचारों में मुख्य रूप से यह भी है कि सरकार की राजकोषीय नीति का उपयोग निर्यात और रोजगार के स्तर को स्थिर करने के लिए किया जाना चाहिए और व्यय और करों में परिवर्तनों के माध्यम से सरकार निर्गत और आय में वृद्धि करने का प्रयास करती है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उच्च वचन को स्थिर रखना होता है। इस प्रक्रिया में राजकोषीय नीति से एक अधिक जब कुल प्राप्ति व्यय से अधिक होती है अथवा एक संतुलित बजट जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो के बजाय एक घाटे के बजट का सृजन होता है। आय निर्धारण के पूर्व विश्लेषण में सरकारी क्षेत्र में शामिल करने से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन हम आगे करेंगे। सरकार दो विशिष्ट विधियों से प्रत्यक्ष रूप से संतुलित आय के स्तर पर प्रभाव डालती है। सरकार द्वारा क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं जी से समस्त मांग में वृद्धि होती है और करों तथा अंतरणों से आय वाई और प्रयोज्यों आय वाई डी परिवार के उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध आय डी का संबंध प्रभावित होता है। साम्य, स्थिरता, समृद्धि। राजकोषीय नीति पर तीन मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की कैसे कोशिश करती है। सर्वप्रथम हम करों को ले हम कल्पना करते हैं कि सरकार जो कर लगाती है वह आय पर निर्भर नहीं करता, इसे एक मुस्तक कर कहते हैं जो टी के बराबर होता है। हम कल्पना करते हैं कि पूरे विश्लेषण में सरकार एक नियत मात्र में अंतरण टी बार आर करती है। अब उपभोग फलन इस प्रकार है, सी बराबर सी बार प्लस सी वाई डी बराबर सी बार प्लस सी ब्रैकेट में वाई माइनस टी प्लस टी बार आर ब्रैकेट बंद, जहां वाई डी प्रयोज्य आय है। इक्वेशन 5.1। हम जानते हैं कि करों की प्रयोज्य आय और उपभोक्ता में कमी आती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए अर्जित करता है तो उसे 10,000 रुपए का अदा करना पड़ता है तो उसकी प्रयोज्य आय और उस व्यक्ति की आय जो 90,000 रुपए अर्जित करता है किंतु कोई कर अदा नहीं करता के बराबर होगी। सरकार को शामिल करने पर समस्त मांग की परिवर्धित परिभाषा होगी। ए डी बराबर सी बार प्लस सी ब्रैकेट में वाई माइनस टी प्लस टी बार आर प्लस आई प्लस जी। इक्वेशन 5.2। ग्राफीय रूप से हम पाते हैं कि एक मुश्त कर से उपभोग अनुसूची समानांतर रूप से नीचे की ओर शिफ्ट होती है और इस कारण समस्त मांग वक्र में भी इस तरह का शिफ्ट होता है। उत्पादन बाजार में आय निर्धारण की शर्तें वाई बराबर समस्त मांग होगी, जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है वाई बराबर सी बार प्लस सी वाई माइनस टी प्लस टी बार आर प्लस आई प्लस जी। इक्वेशन 5.3। आय के संतुलन स्तर का हल प्राप्त करने पर हमें प्राप्त वाई स्टार बराबर 1/1 - c ब्रैकेट में सी बार माइनस सी टी प्लस सी टी बार आर प्लस आई प्लस जी। इक्वेशन 5.4। सरकारी व्यय में परिवर्तन। अब हम करों को स्थिर रखकर सरकारी खरीद जी में वृद्धि के प्रभाव पर विचार करें। जब टी अर्थात एक मुश्त कर से जी अर्थात सरकारी खरीद अधिक होती है जो सरकार घाटे का वहन करती है क्योंकि जी समस्त व्यय का घटक है। योजनाबद्ध समस्त व्यय में वृद्धि होगी। समस्त मांग अनुसूची में ऊपर की ओर ए डी डैश तक शिफ्ट होती है। निर्गत के प्रारंभिक स्तर पर मांग पूर्ति से अधिक होती है और फार्म उत्पादन में विस्तार करती है। नया संतुलन ई डैश पर स्थापित होता है। गुणक युक्ति अध्याय 4 में वर्णित कार्य करती है। सरकार व्यय गुणक निम्नोत होता है। मान लीजिए जी कमा जी प्लस डेल्टा जी के नए स्तर तक परिवर्तित हो जाता है और फल स्वरूप वाई कमा वाई स्टार प्लस डेल्टा वाई के स्तर पर परिवर्तन हो जाता है। जी तथा वाई के नए स्तरों को समीकरण 5.4 में भी लिखा जा सकता है। इसलिए डेल्टा वाई स्टार प्लस डेल्टा वाई बराबर रेखाचित्र 5.4। उच्चतर सरकारी व्यय का प्रभाव समस्त मांग ई डैश वाई बराबर ए डी सी प्लस आई प्लस जी जी डैश माइनस सी टी सी प्लस आई प्लस जी माइनस सी टी वाई स्टार वाई डैश और वाई रेखाचित्र में दिखाई गई है। 1/1 - c सी बार माइनस सी टी प्लस सी टी आर बार प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी। इक्वेशन 5.4 ए। समीकरण 5.4 को समीकरण 5.41 को घटाने से हमको डेल्टा वाई बराबर 1/1 - c डेल्टा जी इक्वेशन 5.5 मिलता है या डेल्टा वाई बटे डेल्टा जी बराबर
1/51 - c इक्वेशन 5.6 मिलता है। रेखाचित्र 5.6 में सरकारी व्यय जी से बढ़कर जी डैश हो जाता है और इस कारण संतुलन आय वाई बढ़कर वाई डैश हो जाता जाती है। करों में परिवर्तन, हम पाते हैं कि आय के प्रत्येक स्तर पर करों में कटौती से प्रयोज्य आय y-t में वृद्धि होती है। फलस्वरूप समस्त व्यय अनुसूची में ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, जो करों में कमी का अंश सी होता है। इसे रेखाचित्र 5.2 में दर्शाया गया है। समीकरण 5.3 से हम कर का गुणांक को उस विधि द्वारा जो सरकार के व्यय गुणांक की गणना में प्रयोग किया गया है ज्ञात कर सकते हैं। देखा जी तो 5.2 कर में कटौती का प्रभाव समस्त मांग ई डैश वाई बराबर ए डी सी प्लस आई प्लस जी प्लस माइनस सी टी डैश सी प्लस आई प्लस जी माइनस सी टी वाई स्टार वाई डैश और वाई के बीच में रेखाचित्र 5.2 दिखाई गई है। समीकरण 5.3 से हमें प्राप्त होता है डेल्टा वाई स्टार बराबर 1/1 - c - c डेल्टा टी। क्वेश्चन 5.7 कर गुणांक डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी बराबर -c/1 - c। इक्वेशन 5.8 कर में कटौती वृद्धि से उपभोग और वृद्धि में वृद्धि निर्गत में वृद्धि कमी होती है, क्योंकि कर गुणांक एक ऋणात्मक गुणांक होता है। समीकरण 5.6 और 5.8 की तुलना करने पर हम पाते हैं कि सरकार के व्यय गुणांक की तुलना में कर गुणांक का निरपेक्ष मूल्य अपेक्षित अल्प होता है, क्योंकि सरकारी व्यय में वृद्धि से कुल व्यय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जबकि गुणांक प्रक्रिया में करों का प्रवेश प्रयोज्य आय पर उनके प्रभाव के माध्यम से होता है, जिसका कि परिवार के उपभोग जो कुल व्यय का अंश है पर प्रभाव डाल पड़ता है। अतः करों में डेल्टा टी की कटौती से उपभोग और इस प्रकार कुल व्यय में सी डेल्टा टी की वृद्धि होती है। दोनों गुणांकों के अंतर को जानने के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर ये कर लाचार व्यक्ति क्यों रो रहा है, इसके आंसू पोंछने के कुछ उपाय बताएं। ये चित्र में दिखाई लाचार व्यक्ति रो रहा है, इसके आंसू पोंछने के उपाय बताएं। उदाहरण पर विचार कीजिए। उदाहरण 5.1, मान लीजिए कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। सरकारी व्यय का गुणांक 1/1 - c बराबर 1/1 - 0.8 बराबर 1/0.2 बराबर 5 होता है। सरकारी व्यय में 100 रुपये की वृद्धि के लिए संतुलन आय में 500 ब्रैकेट में 1/1 - c डेल्टा जी बराबर 5 × 100 की वृद्धि होगी। कर गुणांक -c/1 - c = -0.8/1 - 0.8 - 0.8/0.2 = -4 है। 100 डेल्टा टी बराबर -100 की कर कटौती से संतुलन आय में 400 - c/1 - c डेल्टा टी = -4 × 100 की वृद्धि होगी। अतः इस स्थिति में संतुलन आय में वृद्धि जी के अंतर्गत होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुई वृद्धि से कम होती है। वर्तमान ढांचे में यदि हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के विभिन्न भिन्न भिन्न मूल्यों को लें और दोनों गुणांकों के मूल्यों की गणना करें, तो हम पाएंगे कि सरकारी व्यय गुणांक की तुलना में कर गुणांक का निरपेक्ष मूल्य हमेशा इकाई कम होता है। इसके रोचक निहितार्थ हैं। यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के बराबर ही करों में वृद्धि होती है ताकि बजट संतुलन रहे, तो निर्गत में सरकारी व्यय में वृद्धि की मात्रा के बराबर वृद्धि होगी। दोनों नीतिगत गुणांकों को जोड़ने पर प्राप्त होती है संतुलन। बजट गुणांक बराबर डेल्टा वाई स्टार बटे डेल्टा जी बराबर 1/1 - c + -c/1 - c = -1 - c/1 - c = 1। इक्वेशन 5.9, कोई इकाई संतुलन बजट गुणांक से यह संकेत मिलता है कि सरकार के वित्त में 100 की वृद्धि से करों में 100 की वृद्धि होने पर आय में भी ठीक इसी 100 की वृद्धि होती है। इससे उदाहरण एक में देखा जा सकता है कि जब सरकार व्यय में 100 की वृद्धि होती है तो निर्गत में 500 की वृद्धि होती है, कर में वृद्धि से आय में 400 की कमी होती है और आय में निवल वृद्धि 100 के बराबर होती है। संतुलित आय का तात्पर्य उस अंतिम आय से है जिसे पर्याप्त लंबी अवधि में गुणांक द्वारा अपने सभी चक्रों पूरे करने के बाद प्राप्त करते हैं। हम पाते हैं कि निर्गत में ठीक उतनी ही वृद्धि होती है जितनी वृद्धि सरकारी व्यय में। यहाँ करों में वृद्धि के कारण कोई प्रेरित उपभोग व्यय नहीं होता। संतुलित बजट गुणांक एक क्यों है, यह देखने के लिए कि
यहाँ क्या होना चाहिए, हम गुणांक प्रक्रम का परीक्षण करते हैं, सरकारी व्यय में एक निश्चित मात्रा में वृद्धि से आय प्रत्यक्ष रूप से उसी मात्रा में बढ़ती है और फिर अप्रत्यक्ष रूप से गुणांक श्रृंखला के माध्यम से आय में वृद्धि इस प्रकार होती है, डेल्टा वाई बराबर डेल्टा जी प्लस सी, डेल्टा जी प्लस सी स्क्वायर, डेल्टा जी प्लस आंशो वन बराबर डेल्टा जी वन प्लस सी प्लस सी स्क्वायर प्लस डाटा इक्वेशन 5.7। किंतु कर वृद्धि का गुणांक प्रक्रम में तभी प्रवेश होता है जब प्रयोज्य आय में कटौती से उपभोग में कमी करों से सी गुणा कटौती के बराबर होती है, अतः कर वृद्धि का आय पर प्रभाव इस प्रकार प्राप्त होता है, डेल्टा वाई बराबर माइनस सी डेल्टा टी माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी प्लस डॉट डॉट बराबर माइनस डेल्टा टी बाहर लेने और सी प्लस सी स्क्वायर प्लस डाटा इक्वेशन 5.11। दोनों के अंतर से आय पर निवल प्रभाव प्राप्त होता है क्योंकि डेल्टा जी बराबर डेल्टा टी अथवा इक्वेशन 5.10 और 5.11 से हमें डेल्टा वाई बराबर डेल्टा जी प्राप्त होता है, अर्थात आय में उतनी ही मात्रा में वृद्धि होती है जितनी कि सरकार व्यय में और संतुलन बजट गुणांक इकाई के बराबर होता है, तथा गुणांक को समीकरण 5.3 से भी निम्न प्रकार भी उत्पन्न किया जा सकता है, डेल्टा वाई बराबर डेल्टा जी बार प्लस सी डेल्टा वाई माइनस टी, चूंकि निवेश में परिवर्तन नहीं होता है तो डेल्टा आई बराबर जी इक्वेशन 5.12, चूंकि डेल्टा जी बार बराबर डेल्टा टी, इसीलिए हम पाते हैं कि डेल्टा वाई बटे डेल्टा जी बराबर 1 - C/1 - C बराबर 1 इक्वेशन 5.13। अनुपातिक करों की स्थिति अधिक यथार्थ मान्यता यह होगी कि सरकार एक नियत भिन्न टी के रूप में करों से आय संग्रह करती है ताकि टी बराबर टी वाई हो, अनुपातिक करों के साथ उपभोग फलन निम्नांकित है, सी बराबर सी बार प्लस सी ब्रैकेट में वाई माइनस टी वाई प्लस टी आर बार ब्रैकेट बंद सी प्लस सी वन माइनस टी वाई प्लस सी टी आर का बार क्वेश्चन 5.4। उल्लेखनीय है कि अनुपातिक करों से आय के प्रत्येक स्तर पर न केवल उपभोग निम्न है बल्कि उपभोग फलन की प्रवणता भी निम्न है, आय से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सी वन माइनस टी तक गिरती है, रेखाचित्र 5.1। मांग वाई बराबर एडीओ एडी बराबर सी प्लस सी वाई प्लस आई प्लस जी एडी डैश बराबर सी प्लस सी वन माइनस टी वाई प्लस आई प्लस जी, रेखाचित्र सरकार और समस्त मांग अनुपातिक कर समस्त मांग एडी अनुसूचित की अपेक्षा सपाट बनाता है, नई समस्त मांग अनुसूची एडी डैश का अंतखंड बड़ा किंतु सपाट होता है, अब हमारे पास एडी बराबर सी बार प्लस सी वन माइनस टी वाई प्लस सी टी आर का बार प्लस आई प्लस जी बराबर ए बार प्लस सी वन माइनस टी वाई क्वेश्चन 5.15, जहां ए बराबर स्वतंत्रता व्यक्त व्यय है और सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई प्लस जी के बराबर होता है, उत्पादन बाजार में आय निर्धारण की शर्त तो वाई बराबर ए डी होती है, जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है वाई बराबर ए बार प्लस सी वन माइनस टी वाई क्वेश्चन 5.16। आय के संतुलन स्तर के लिए हल करने पर वाई स्टार बराबर 1/1 - C/1 - T ए बार क्वेश्चन 5.17, ताकि गुणांक निम्नांकित हो, डेल्टा वाई बटे डेल्टा ए बार बराबर 1/1 - C/1 - T क्वेश्चन 5.18। एकमुश्त कर की स्थिति में गुणांक के मूल्यों से इसकी तुलना करने पर हमें अल्प मूल्य प्राप्त होता है, एकमुश्त कर की स्थिति में सरकारी व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में आय में वृद्धि की सी गुणा वृद्धि होती है, अनुपातिक कर के साथ उपभोग में कम वृद्धि होती है, सी माइनस सी टी बराबर सी वन माइनस टी गुणा आय में वृद्धि होती है, रेखाचित्र 5.4। मांग समस्त मांग ए डी बराबर वाई ई डैश ए डी डैश बराबर सी वन सी प्लस सी वन माइनस टी वाई प्लस आई प्लस जी डैश ई ए डी बराबर सी प्लस सी वन माइनस टी वाई प्लस आई प्लस जी वाई डैश वाई स्टार और वाई रेखाचित्र 5.4। सरकारी व्यय में वृद्धि का अनुपातिक कर दिखाई गई है, जी में परिवर्तन के लिए अब गुणक निम्नांकित हैं, डेल्टा वाई बराबर डेल्टा जी बार प्लस सी वन माइनस टी डेल्टा वाई क्वेश्चन 5.19, डेल्टा वाई बराबर 1/1 - C/1 - T डेल्टा जी बार आय में वाई स्टार से वाई डैश की वृद्धि होती है, रेखाचित्र 5.5। समस्त मांग ए डी बराबर वाई ई डैश बराबर ए डी डैश बराबर सी वन प्लस सी वन माइनस टी डैश वाई आई प्लस जी प्लस नीचे ई बराबर ए डी बराबर सी
प्लस सी वन माइनस टी वाई प्लस आई प्लस जी वाई वाई डैश और वाई के बीच में दिखाई गई अनुपातिक कर के दर में कटौती का प्रभाव परिणाम स्वरूप करों में हास का प्रभाव पड़ता है जिससे कि उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यदि वक्र में ऊपर की ओर ए डी डैश तक शिफ्ट होता है आय के प्रारंभिक स्तर पर वस्तु की समस्त मांग निर्गत से अधिक होती है क्योंकि कर में कटौती के कारण उपभोग में वृद्धि होती है। अब आय का नया उच्च स्तर वाई डैश है। उदाहरण 5.1 में यदि हम कर की दर 0.25 लेते तो हम पाते कि आय में प्रत्येक इकाई की वृद्धि के लिए उपभोग में पहले के 0.8 के स्थान पर 0.60 सी वन माइनस डी बराबर 0.8 गुणे 0.75 की वृद्धि होगी। अतः पहले की तुलना में उपभोग में कम वृद्धि होगी। सरकारी व्यय गुणांक 1/1 माइनस सी वन माइनस डी बराबर 1/1 माइनस 0.6 बराबर 1/0.4 बराबर 2.5 होगी जो एकमुश्त करों से प्राप्त राशि की तुलना में कम है। यदि सरकार व्यय में 100 की वृद्धि हो तो निर्गत में सरकारी व्यय में वृद्धि के गुणांक वृद्धि होगी अर्थात 2.5 गुणे 100 बराबर 250। यह एक मुश्ता करो की दशा में निर्गत में वृद्धि से कम है अतः अनुपातिक आयकर एक स्वतः स्थिर अर्थात अघात और शोषक की वृद्धि प्रकृति के रूप में कार्य करता है क्योंकि इससे सकल घरेलू उत्पाद में उच्च वचन के प्रति प्रयोज्य आय और उपभोक्ता का व्यय कम संवेदनशील होता है। जब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है तो प्रयोज्य आय भी बढ़ती है किंतु सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से कम क्योंकि इसका एक अंश करों के रूप में निकल जाता है। इससे उपभोग व्यय में ऊपर मुखी उच्च वचन को सीमित करने में मदद मिलती है। अमंदी के दौरान जब सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आती है तो प्रयोज्य आय कम तेजी से गिरती है और उपभोग में उतनी गिरावट नहीं आती है जितनी कर दायित्व नियत होने की स्थिति में आने चाहिए। इससे समस्त मांग में कमी आती है और अर्थव्यवस्था की स्थिरीकरण की स्थिति में आ जाती है। उल्लेखनीय है कि निवेश मांग में अनिश्चित शिफ्ट के प्रभाव को संतुलित करने में इन राजकोषीय नीतिगत उपकरणों में भिन्नता हो सकती है अर्थात यदि निवेश में आई नॉट से आई वन तक गिरावट आती है तो सरकारी व्यय में जी नॉट से जी वन की वृद्धि हो ताकि स्वायत्तता खर्च जी सी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट बराबर सी प्लस आई वन प्लस जी वन और संतुलन आय एक समान रहेगा। राजकोषीय प्रणाली के अंतर्निहित स्वतः स्थिरांक अभिलक्षणों से अलग करने के लिए इसे स्वनिर्णयगत राजकोषीय नीति कहा जाता है जो कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की एक सुविचारित कार्रवाई है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि अनुपातिक करों से अर्थव्यवस्था को ऊर्ध्वगामी और अधोगामी संचलन के विरुद्ध स्थिरकरण की स्थिति में लाने में मदद मिलती है। कल्याण अंतरणों से भी आय स्थिरकरण में मदद मिलती है। तेजी के दौरान जब रोजगार अधिक होता है उपभोग व्यय के ऊंचे स्तर पर स्थिरीकरण दबाव बनाने वाले अंतरण अदायगी के लिए वित्त प्रबंधन हेतु संग्रहण कर प्राप्तियों में वृद्धि होती है। विलोमतः चरम मंदी के दौरान इन कल्याणगत अदायगियों से उपभोग धारिता करने में मदद मिलती है। आगे निजी क्षेत्रों में भी अभियांत्रिक स्थिरक होते हैं। अल्पकाल में आय में परिवर्तन के बावजूद निगम अपने लाभांश को कायम रखते हैं और परिवार अपने पूर्व जीवन स्तर को बनाए रखने का प्रयास करता है। ये सभी निर्णयकर्ता के द्वारा किसी भी कार्रवाई करने की आवश्यकता के बगैर अघात अवशेष के रूप में कार्य करते हैं अर्थात ये स्वतः कार्य करते हैं किंतु अभ्यांतरिक स्थिरांक से अर्थव्यवस्था में उच्च वचन को एक अंश मात्र की ही कमी होती है। शेष के लिए सुविचारित नीतिगत पहल किया जाना चाहिए। अंतरण हम कल्पना करते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि के स्थान पर सरकार अंतरण अदायगी कुल राजस्व टी आर बार में वृद्धि करती है। स्वायत्तता व्यय ए बार में सी डेल्टा टी आर बार की वृद्धि होगी अतः निर्गत में वृद्धि होगी लेकिन यह वृद्धि सरकारी व्यय में वृद्धि की मात्रा से कम होगी क्योंकि अंतरण अदायगी में किसी भी प्रकार की वृद्धि के एक अंश की बचत कर ली जाती है। अंतरण में परिवर्तन के लिए संतुलन आय में परिवर्तन निम्नवत होगी। इसी विधि का प्रयोग कर जो पहले सरकारी व्यय गुणांक तथा कराधान गुणांकों को ज्ञात करने में प्रयोग की गई है हस्तांतरणों के लिए संतुलन आय में परिवर्तन को ऐसे ज्ञात किया जा सकता है डेल्टा वाई बराबर सी बटे वन माइनस सी डेल्टा टी आर इक्वेशन 5.21 अथवा डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी आर बराबर सी वन बटे वन माइनस सी इक्वेशन 5.22। उदाहरण के लिए
5.0 मान लीजिए कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है और कर एक मुश्त है। जब सरकारी खरीद में 20 की वृद्धि होती है तो संतुलन आय में परिवर्तन डेल्टा वाई बटे 1/1 माइनस 0.75 डेल्टा जी बराबर 4 × 20 बराबर 80 के बराबर होगा। जब करों में 30 की वृद्धि होगी तो संतुलन आय में 90 की बराबर ह्रास होगा, क्योंकि डेल्टा वाई बराबर माइनस 0.75/1 माइनस 0.75 डेल्टा टी बराबर 3 × 30 बराबर माइनस 90। अंतरण में 20 की वृद्धि से संतुलन आय में डेल्टा वाई बराबर 0.75/1 माइनस 0.75 डेल्टा टी आर बराबर 3 × 20 बराबर 60 वृद्धि होगी। अतः इस प्रकार हम पाते हैं कि आय में वृद्धि सरकारी खरीद में वृद्धि की तुलना में कम होती है। ऋण बजटीय घाटे के लिए वित्तीय पोषण या तो करारोपण या ऋण अथवा नोट छाप कर किया जाना चाहिए। सरकार प्रायः ऋण ग्रहण पर आश्रित रहती है, जिसे सरकारी ऋण कहते हैं। घाटे और ऋण की संकल्पनाओं में निकट संबंध होता है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है, जिससे ऋण के स्टॉक में वृद्धि होती है। यदि सरकार का ऋण ग्रहण एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष भी जारी रहता है तो इससे ऋण का संचय होता है और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस ब्याज अदायगी से ऋण की मात्रा में स्वयं का योगदान होता है। सरकारी ऋण के कि एक ऋण की समुचित मात्रा का परिप्रेक्ष्य इस विषय के दो अंतर संबंधित पहलू हैं। प्रथम, क्या सरकारी ऋण एक बोझ होता है, और द्वितीय, ऋण के लिए वित्तीय संबंधी विचार ऋण बोझ की चर्चा करते समय यह ध्यान रहे कि सरकारी ऋण छोटे व्यापारी के ऋण के जैसे नहीं होना होता। अतः हमें समस्त रूप से विचार करना चाहिए कि न कि आंशिक रूप से। किसी व्यापारी के विपरीत सरकार करारोपण के द्वारा और नोट छाप कर संसाधनों में वृद्धि कर सकती है। ऋण ग्रहण कर सरकार उपभोग का बोझ कम करने के लिए अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर देती है, क्योंकि सरकार आज बंद पत्र जारी कर जनता से जो ऋण ग्रहण करती है और उसका भुगतान लगभग 20 वर्ष बाद कर में वृद्धि करके उसे कर सकती है। ये कर उन युवा आबादी पर लगाए जा सकते हैं जिनसे अभी काम करना आरंभ ही किया है। उनकी प्रयोज्य आय में ह्रास होगा और इस प्रकार उपभोग में भी कमी आएगी। अतः ऐसा तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रीय बचत में गिरावट आएगी। इसके अतिरिक्त जनता से सरकार द्वारा ऋण ग्रहण करने से निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचत में भी कमी आएगी। इससे कुछ हद तक पूंजी निर्गत निर्माण और वृद्धि में भी कमी आएगी, क्योंकि ऋण को अगली पीढ़ी पर बोझ के रूप में देखा जाता है। परंपरागत तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि जब सरकार कर में कटौती करती है और घाटे का बजट बनाती है तो उपभोक्ता अधिक व्यय करके कर से बचने वाली आय का इस्तेमाल करता है। संभव है कि लोग अल्पदृष्ट हो और बजटीय घाटे के निहितार्थ को नहीं समझते हों। वे नहीं समझते सकते कि भविष्य में किसी समय सरकार को ऋण और संचित ब्याज का भुगतान करने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ेगी। इस बात को समझ होने के बाद भी वे भविष्य में करों का बोझ अपने ऊपर पड़ने की आशा नहीं करते, बल्कि उम्मीद करते हैं कि यह अगली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इसके विरुद्ध तर्क यह है कि उपभोक्ता अग्रदर्शी होते हैं और उनका व्यय न केवल वर्तमान आय पर निर्भर करती है, बल्कि वे भविष्य में होने वाली आय की आशा से भी व्यय करते हैं। वे समझेंगे कि आज ऋण लेने से भविष्य में कर उच्च होगा। पुनः उपभोक्ता आने वाली पीढ़ी के बारे में भी चिंतित रहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां वर्तमान पीढ़ी के ही बच्चे या नाती पोते होते हैं और परिवार जो इस संबंध में निर्णय लेने वाली एक इकाई हमेशा विद्यमान रहता है। वे अब अपनी बचत में वृद्धि करेंगे, जिससे सरकार को निर्बचत में वृद्धि पूर्ण रूप से प्रतिसंतुलित हो जाएगी और इससे राष्ट्रीय बचत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस मत को रिकॉर्ड समतुल्यता कहते हैं। डेविड रिकॉर्डो 19वीं शताब्दी के महान अर्थशास्त्री में से एक थे, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। इसे समतुल्यता कहते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि करारोपण और ऋण ग्रहण व्यय के लिए समतुल्य वित्तीय साधन है। आज जब सरकार ऋण लेकर व्यय में वृद्धि करती है, जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा आज कर में वृद्धि के द्वारा वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से पड़ता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि ऋण से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने लिए ऋण ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि यद्यपि दो पीढ़ियों के बीच संसाधनों का हस्तांतरण होता है, फिर भी क्रय शक्ति राष्ट्र के अधीन हो
अधीन ही रहती है, किंतु विदेशियों से लिया गया कोई भी ऋण एक बोझ होता है, क्योंकि हमें ब्याज अदायगी के अनुरूप वस्तुएं विदेश भेजनी पड़ती हैं। घाटे और ऋण के अन्य परिप्रेक्ष्य। घाटे की मुख्यतः आलोचनाओं में एक यह भी है कि घाटे सौदा स्फीतिकारी होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सरकार व्यय में वृद्धि अथवा करों में कटौती करती है तो समस्त मांग में वृद्धि होती है। फर्म अधिक मात्रा में जितने की वर्तमान कीमत पर मांग की जाती है उतने का उत्पादन करने में असमर्थ हो सकते हैं, इससे कीमत में वृद्धि हो जाएगी। किंतु यदि संसाधनों की उचित उपयोग न किया गया हो तो मांग में कमी करने के कारण निर्गत को रोक लिया जाता है। उच्च राजकोषीय घाटे के साथ मांग ऊंची और निर्गत अत्यधिक होते हैं, इसलिए इसके स्फीतिकारी होने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि निवेश में कमी से निजी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध बचत की मात्रा में कमी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए बंद पत्र जारी कर निजी लोगों से ऋण ग्रहण करने के निर्णय लेती है तो ये बंद पत्र निगम बंद पत्र और निधि की पूर्ति के लिए उपलब्ध अन्य वित्तीय उपकरणों से स्पर्धा करेंगे। यदि कुछ निजी बचतकर्ता बंद पत्र खरीदने का निर्णय करते हैं जो निजी क्षेत्र में निवेश करने के लिए शेष निधि की मात्रा अल्प होगी, इस प्रकार जब सरकार अर्थव्यवस्था की कुल बचत के शेयर में वृद्धि का दावा करेगी तो कुछ निजी ऋण ग्रहणकर्ता वित्तीय बाजारों के जन समूह में घिर जाएगा। किंतु यह ध्यानतव्य है कि अर्थव्यवस्था की बचत का प्रवाह तब तक निश्चित नहीं होगा जब तक कि हम यह न मान लें कि आय में वृद्धि नहीं हो सकती है। यदि राजकोषीय घाटे से उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त होगा तो आय अधिक होगी और बचत में भी वृद्धि होगी। इस स्थिति में सरकार और उद्योग दोनों अधिक से अधिक ऋण ग्रहण कर सकते हैं। यदि सरकार आधारभूत संरचना के निर्माण में निवेश कर रही है तो आने वाली पीढ़ी बेहतर स्थिति में होगी, किंतु इस प्रकार के निवेश का प्रतिफल ब्याज की दर से निश्चित रूप से अधिक होगा। निर्गत में बढ़ोतरी से ही वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है, तब ऋण को बोझ के रूप में नहीं देखा जाएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास में ऋण वृद्धि को उचित ही माना जाएगा। घाटे में कटौती, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकार घाटे में कमी की जा सकती है। भारत में सरकार का राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज्यादा भरोसा करती है और प्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में प्रतिगामी होता है और इनका प्रभाव सभी आय समूहों के लोगों पर समान रूप से पड़ता है। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के माध्यम से प्राप्तियों में बढ़ोतरी करने का भी एक प्रयास किया गया है, किंतु सरकारी व्यय में कटौती पर विशेष बल दिया गया है। सरकार के कार्यकलापों को सुनियोजित कार्यक्रमों के सुशासन के माध्यम से संचालित करने से ही सरकारी व्यय में कटौती की जा सकती है। योजना आयोग के द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन साथ में यह आकलन किया गया कि एक गरीब तक एक रुपए का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार खाद्य उपदान के रूप में 3.65 रुपए व्यय करती है। यह व्यय सरकार इस उद्देश्य से करती है कि नगद राशि के अंतरण से लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी। सरकार के कार्य क्षेत्र को बदलने का दूसरा तरीका यह है कि सरकार जिन क्षेत्रों में कार्य करती रही है उनमें से कुछ क्षेत्र निकाल दिए जाएं। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता निवारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों को रोकने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अनेक देशों में सरकार अत्यधिक घाटे का आह्वान करती है। पूर्व निर्धारित स्तरों पर व्यय में वृद्धि नहीं करने के लिए सरकार स्वयं पर प्रतिबंधों का आरोपण करती है। 5.1 में भारत में FRBMA की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन है। उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए इनका परीक्षण करना होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि बेहतर घाटा हमेशा अधिक विस्तारित राजकोषीय घाटा का परिणाम नहीं होता है। समान राजकोषीय नीति बड़े अथवा छोटे दोनों ही प्रकार के घाटे को जन्म दे सकती है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरणतः यदि किसी अर्थव्यवस्था में आम मंदी और सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट देखने को मिलती है तो इसका कारण है कि फर्म और परिवार की जब आय कम होती है तो वे कम कर अदा करते हैं। तात्पर्य है यह है कि आमंदी की स्थिति में घाटे में बढ़ोतरी होती है तथा तेजी की स्थिति में कमी, जबकि राजकोषीय नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ इसे
पुनः एक वर्ष 2009 से 10 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तीव्र राजस्व व्यय कार्यक्रम और आयोजन के पक्ष में योजना की प्राथमिकता के आधार पर मुख्य रूप से शिफ्ट होता है। सारांश, सार्वजनिक वस्तुओं की निजी वस्तुओं से अलग समूह उपभोग होता है। सार्वजनिक वस्तुओं की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ये अप्रतिस्पर्धी होती हैं, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे की संतुष्टि में कमी किए बगैर अपनी संतुष्टि में वृद्धि कर सकता है, तथा वे सार्वजनिक वस्तु अवर्ज्य होती हैं, अर्थात किसी को इन वस्तुओं का लाभ उठाने से वर्जित करने का कोई संभव तरीका नहीं है। इससे उनके उपयोग का शुल्क संग्रह करना कठिन होता है, तथा निजी उद्यम आमतौर पर ऐसी वस्तुओं को मुहैया नहीं कराते, अतः सरकार ही सार्वजनिक वस्तुएं प्रदान करती है। ये तीन फलन, आवंटन, पुनर्वितरण, स्थिरीकरण, इन तीनों के कार्यों का संचालन सरकार के व्यय एवं प्राप्तियों के माध्यम से होता है। तीसरा, बजट में सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय का वितरण होता है। वर्तमान वित्तीय आवश्यकताओं और देश के पूंजीगत स्टॉक में निवेश के बीच भेद करने की दृष्टि से बजट को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला राजस्व बजट, दूसरा पूंजीगत बजट। राजकोषीय घाटे के प्रतिशत में राजस्व घाटे की वृद्धि में निम्न पूंजीगत निर्माण सहित सरकारी व्यय की प्राकृतिक में गिरावट प्रदर्शित होती है। अनुपातिक करों से स्वायत्तता व्यय गुणांक कम होता है, क्योंकि करों के बाद शेष आय में से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी आ जाती है। छठवां, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि प्रभावित होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। सार्वजनिक वस्तुएं अभ्यांतरिक स्थिरांक स्वनिर्णयगत राजकोषीय नीति रिकॉर्ड की समतुल्यता। भाग 5.2, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003, FRBMA बहुदलीय संसदीय प्रणाली में व्यय संबंधी नीतियों के निर्धारण में निर्वाचकों का की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह तर्क दिया जाता है कि विधायी प्रावधान जो सरकार के वर्तमान और भविष्य सब लागू होता है, घाटे को नियंत्रित करने में प्रभावकारी होता है। अगस्त 2003 में FRBMA का अधिनियम वित्तीय सुधार और विवेकपूर्ण वित्तीय नीति का अनुसरण करने के लिए संस्थागत ढांचे के माध्यम से सरकार को बाधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। केंद्र सरकार को यह निश्चित करना चाहिए कि अंतर पीढ़ियां समता हो और पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति से दीर्घकालिक समष्टि अर्थशास्त्री अस्थायित्व तो प्राप्त हो। मौद्रिक नीति के राजस्व घाटे बाधा को दूर करते हुए और घाटे तथा ऋण ग्रहण को सीमित करते हुए प्रभावकारी ऋण प्रबंधन हो। इस अधिनियम के नियमों को जुलाई 2004 के प्रभाव से अधिसूचित किया गया। मुख्य विशेषता एक, यह अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा में सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक और कमी करने की समुचित उपाय करने का आदेश देता है, जिससे 31 मार्च 2008 तक का राजस्व घाटे को दूर किया जाए और उसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिक के कार्य निर्माण हो। मुख्य रूप से राजस्व व्यय में पक्ष की योजना के प्राथमिक में बदलाव आए और खास तौर पर गहन कार्यक्रम और योजनाएं इसे एक वर्ष के लिए 2009 से 10 तक पुनर्निर्धारित किया गया है। दूसरा, इसमें प्रत्येक वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% राजकोषीय घाटा में कटौती और 0.5% राजस्व घाटे में कटौती की आवश्यकता बतलाई गई है। इसका प्राप्ति यदि राजस्व से नहीं होता है तो व्यय में कटौती से आवश्यक असमंजन होना चाहिए। तीसरा, निर्धारित लक्ष्यों से अधिक वास्तविक घाटे में बढ़ोतरी केवल राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के आधार पर अथवा अन्य ऐसी अपावधि की स्थितियों जिसे केंद्र सरकार निर्दिष्ट करती है के आधार पर ही हो सकती है। चौथा, केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से नगद प्राप्तियों के ऊपर नगद प्रतिपूर्तियों के अस्थायी आधिक्य की पूर्ति के लिए अग्रिम के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का ऋण ग्रहण नहीं करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2006 से 2007 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा। वित्तीय संचालन में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए उपाय किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को संसद से दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ तीन विवरण, मध्यवर्ती राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय कार्य नीति संबंधी विवरण और समिष्टि अर्थशास्त्री ढांचागत विवरण प्रस्तुत करना होगा। बजट के
के संबंध में प्राप्तियों और व्यय प्रवृत्तियों की त्रैमासिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करना होगा। यह अधिनियम केंद्र सरकार पर लागू होता है। यद्यपि 26 राज्यों में पहले ही राजकोषीय विधि निर्माण का जवाबदेही है जो सरकार के अधिक विस्तृत नियम आधारित राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को बनाती है। यद्यपि सरकार इस पर जोर देती है कि FRBMA एक महत्वपूर्ण स्थानिक उपाय है जो राजकोषीय समझदारी और समिष्ट अर्थशास्त्री संतुलन को सहारा प्रदान करती है। इस अधिनियम के द्वारा वंचित लक्ष्य की पूर्ति के लिए कल्याणगत व्यय में कटौती की आशंका प्राप्त रहती है। FRBM समीक्षा समिति विगत 13 वर्षों में जब FRBM अधिनियम पारित किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था एक मध्य आय वाला देश हो गई है। FRBM के पारित होने के समय यह सामान्य धारणा थी कि राजकोषीय नियम स्वच्छता से बेहतर है, लेकिन तब से विकसित राष्ट्र इस धारणा के आगे निकल गए। लेकिन भारत में सरकार FRBM में निहित राजकोषीय सिद्धांतों में अपना विश्वास सत्य घोषित कर दिया है, इसीलिए 2003 में स्थापित सक्रिय ढांचे को बनाए रखने के लिए समर्थ प्राप्त है और इसे भारत में बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार बदलना और भविष्य में विकास पथ को भी ध्यान में रखना यह वह कार्य है जो FRBM की समीक्षा समिति को दिया गया है। बाक्स 5.3 वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एक बाजार जुलाई 2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर उत्पादन को सेवा पर्यायक से सीधे ही वस्तु एवं सेवा की पूर्ति पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है जिस पर पूर्ति श्रृंखला में आगत जमा की सुविधा प्राप्त है। यह एक ही प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं पर एक ही दर वाला पूरे भारत में लागू कर है। इससे बहुत बड़ी जड़ी संख्या में केंद्रीय एवं राजकीय करों और उपकरों को मिलाकर लिया है। इनसे वस्तुओं और सेवाओं पर करों का को जो वस्तु के उत्पादन बिक्री अथवा सेवाओं के प्रदान करने पर लगाए जाते हैं प्रतिस्थापित कर दिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर दोनों से पूर्व की अवधि में अनेक मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर रही हैं पर प्रत्येक स्तर पर वर्धित मूल्य पर एवं वस्तु सेवा के कुल मूल्य पर बिना किसी आगत कर जमा ITC के रूप में लगाए जाते हैं। कुल मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु अवलिक सेवाओं पर दिया गया कर सम्मिलित था। इससे करों का सोपान हो जाता है। वस्तु और सेवा पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर लिया जाता है और पूर्व के स्तर पर दिए गए कर का क्रेडिट अगली स्टेज पर वस्तु सेवा की पूर्ति के स्तर पर मुजारा दिया जाता है। इस प्रकार यह प्रभावी रूप से पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर एक मूल्य वर्जित कर है। हमारी विशाल एवं तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह पूरे देश में कराधान में समता और मूल्य वर्जित कर के सिद्धांत को सभी वस्तुओं और सेवाओं पर स्थापित करता है। इससे केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के करों उपकरों को प्रतिस्थापित कर दिया है। केंद्र द्वारा लगाए गए कुल कुछ कर केंद्रीय उत्पादन कर सेवा कर केंद्रीय बिक्री कर और कृषि कल्याण कर स्वच्छ भारत कर उपकर थे। राज्य के प्रमुख कर वाट सेल्स टैक्स प्रवेश कर विलासिता कर चुंगी मनोरंजन और विज्ञापनों पर कर लैटरी बैटिंग जू कर वस्तुओं पर राज्य कर आदि थे। ये सब वस्तु एवं सेवा में समाहित हो गए। वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थ को वस्तु एवं सेवा कर से बाहर रखा गया है, लेकिन समय बीतने के साथ इन्हें भी वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर दिया जाएगा। मानव उपयोग के लिए मादक पेय पर राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर लगाती रहेगी। तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ के पदार्थ पर वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत पूरे देश में वस्तु और अन्य वस्तुओं पर 6 मानक दरें जैसे 0, 3, 5, 7, 12, 18 तथा 28% लागू होगी। स्वतंत्रता के पश्चात वस्तु एवं सेवा कर देश में सबसे बड़ा कर सुधार है जो 30 जून 1 जुलाई 2017 को अर्धरात्रि को संसद के द्वारा देश में लागू किया गया। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस संशोधन में संविधान में धारा 246A शामिल हुआ जिससे संसद तथा राज्य में विधानसभाओं का वस्तु और सेवाओं संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। इसके पश्चात वस्तु सेवा कर के लिए GST Act UT GST
एक्ट और एसजीएसटी एक्ट पारित किए गए अधिनियम प्रक्रियाओं और पूरे भारत में करों की दरें का मानकीकरण हो गया। इसने वस्तु और सेवाओं के अवगमन की स्वतंत्रता को सुविधाजनक बना दिया और पूरे भारत में एक कॉमन बाजार का सृजन कर दिया। इसका उद्देश्य व्यावसायिक लागत और उपभोक्ताओं पर विभिन्न करों का सोपानन प्रभाव को कम करना है। इसने उत्पादन की कुल लागत को कम कर दिया और जो घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तु एवं सेवाओं और अधिक प्रतियोगी बनाएगी। इससे आर्थिक विकास बढ़ेगी क्योंकि सरल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कोई 2% की वृद्धि होगी। कर अनुपालन भी अधिक होगा क्योंकि कर अदायगी संबंधी सेवाएं जैसे पंजीकरण, रिटर्न भरना, कर अदायगी सभी एक सामान्य पोर्टल www.gst.government.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। इसने कर आधार को विस्तृत कर दिया है, कर व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता ला दी है। सरकार और करदाताओं के बीच मानव अंतर प्रदेश को कम कर दिया है और व्यवसाय करने की सुविधा को बढ़ावा दे रही है।